अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज फ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 11, फ्रैक्शंस। सो इन दिस चैप्टर द न्यू वर्ड्स वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज फ्रैक्शन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट नाउ। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। इट हैज टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, द नंबर रिटन अबव द बार इज कॉल्ड न्यूमरेटर, द नंबर रिटन बिलो द बार इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। मीन्स वॉट? 3/4, ये जो बीच में बार है, ओके, 3/4, इसको कैसे रीड करते हैं? 3/4, ये जो ऊपर वाला है, जो अबव द बार है, जो ऊपर वाला है उसको न्यूमरेटर और जो नीचे वाला है उसको डिनोमिनेटर। तो ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द अबव द बार इज न्यूमरेटर एंड बिलो द बार इज डिनोमिनेटर। सो यू हैव टू, यू कैन राइट हियर ऑल्सो, द अपर वन इज न्यूमरेटर एंड द डाउन वन इज डिनोमिनेटर। सो वॉट यू हैव टू डू, देर इज नो प्लेस टू राइट हियर, सो यू आर गोइंग टू राइट इन योर रफ बुक। फर्स्ट राइट दिस क्वेश्चन एंड देन राइट 3 न्यूमरेटर, 4 डिनोमिनेटर। ओके, नाउ कंसेप्ट ऑफ हाफ। हाफ कैसा लिखते हैं? 1/2 को हाफ बोलते हैं। ओके, जस्ट यू कैन सी हियर, एक सर्कल, सर्कल में से हाफ पार्ट किया हुआ है। 1/2 बोले तो ये 1 में से, 1 में से दो पार्ट किए हुए, तो ये इक्वल 2 है, ये इक्वल हाफ है। हाफ एंड हाफ, हाफ प्लस हाफ इज 1। इफ अ होल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इज कॉल्ड हाफ। नाउ यू कैन सी हियर, सम बुक्स आर देयर, लेट्स काउंट, 2, 4, 6 एंड 8 बुक्स आर देयर। सो यू हैव टू डिवाइड इट इनटू इक्वल हाफ, आपको आधे आधे करना है। अभी 8 बुक्स है, तो आप क्या करोगे, 8 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, 2 × 4 = 8। ओके, यू विल गेट 4, सो हाफ मीन्स 4 बुक्स। ओके, सो हाफ इज रिटन एज 1/2। If you find out the half of any number, you have to divide by 2. Now, 1/3 is there. 1/3. Now, this is whole. Whole circle is there. Is divided into 3 equal parts. ये कैसा divide है? ये 3 equal parts में divide है. ये 1 whole और ये 3 है, तो इसके 3 पार्ट्स। सो 1/3 मेक अ होल। सो 1/3, 1/3, 1/3, 3 1/3 मिलके एक सर्कल कंप्लीट होगा आपका। ओके, सो यू कैन सी हियर देयर आर 9 कप्स। अगर आपको 9 कप्स का 1/3 मालूम करना है, ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 9/3 और 9 × 1/3 दैट इज इक्वल टू 9/3 दैट इज इक्वल टू 3 कप्स। ओके, लाइक दिस वे 1/4 इज देयर। 1/4 मीन्स पाव हिस्सा। ओके, इसमें से सर्कल का पाव हिस्सा।
Okay. So if a whole is divided equally into four parts, means 1 4 1 4 1 4 1 4, that is equal to 1. Now there are 20 hats and you have to find out the 1/4 of it. So 20 into 1 upon 4, that is 20 divided by 4 is equal to 5. Okay. Now 1/5. 1/5. If a whole is divided equally into 5 parts, each part is called 1/5. 1/5. So you can see here, this figure is called pentagon. Pentagon, jaisa square ko 4 sides hote, rectangle ko 4 sides hote, waisa ye pentagon hai jisko 5 sides hote hai. Okay, so 1/5. To uska 5wa hissa. To aapko aise कितने 1515 प्लस 5 मिलाना पड़ेंगे, तब ये एक कंप्लीट होगा. सो फॉर देन 1/6 आल्सो सेम. ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अ पिज्जा आल्सो. ओके, आई थिंक यू ऑल लव पिज्जा टू ईट पिज्जास. ओके, सो व्हेन योर मदर कुक पिज्जा, सो व्हाट यू डू, यू ईट द होल वन? नो. व्हाट यू डू, द मम्मा make the cuts on it. Okay, so you can see that cuts is nothing but a fraction. आपको 1/6 portion मिलता है या फिर 1/7 मिलता है, एक whole piece आपको मिलता है, that is nothing but a fraction and which part it is. Okay, now more about fractions. 3/1/4, that is 3/4, इसको 3/4 भी बोलते हैं, 3/4 भी बोलते हैं, 1/5, 4/5, that is 4/5, 2/6, 4/7, 3/8, like this way. Okay, let's see here, practice zone 2. Look at the colored portion and write the fraction. तो जो colored part है, come on, let's solve practice zone 2. Look at the colored portion and write the fraction. So how many colored parts are there? 1 and 2. 2 upon 12. Then count all the parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means 2 upon 6. Here 2 upon 3. Here 2 upon 6 again. Here 5 upon 6. You can pause and complete. Now here color the figure to represent the given fraction. So how you are going to represent? Now you can see here 8. 8 means pura total parts. So you can count here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 is there. कितने colored करना है? 3, 1, 2 and 3. Okay, color it nicely. I am showing you just roughly. Then 4 upon 5. You can see here 5 arrows are there. Out of 4, you have to color it. So 1, 2, 3 and 4. Same here, 10 smileys are there. You have to color
सेवन जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर टोटल नंबर्स रहता है. सो सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. देन हियर सेवन आर देयर, यू हैव टू कलर सिक्स. Okay, hope you have remove your observation book part 2 chapter number 11 fraction. Question number 1, fill in the boxes. This is your homework. Numerator and denominator. So 8 upon 9 is this. So I have explained you just now, above the bar 8 न्यूमरेटर एंड 9 डिनोमिनेटर. जो ऊपर है लाइन के 8 वो न्यूमरेटर है और जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर है. यू हैव टू कंप्लीट इट. लुक एट द शेडेड पोर्शन एंड राइट द फ्रैक्शन. जो टोटल फ्रैक्शन, जो टोटल कट्स रहेंगे, पार्ट्स रहेंगे, वो डिनोमिनेटर में लिखना है और जो कलर्ड पार्ट है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल पार्ट्स है 10, तो डिनोमिनेटर में आएगा. कलर्ड पार्ट कितने, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सो लाइक दिस वे यू हैव टू कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2, देन स्विच टू क्वेश्चन नंबर 6. जैसे हमने कलर किया, अभी टोटल 16 स्टार्स है तो ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर 11 है, तो आपको क्या करना है, 11 स्टार्स को कलर्ड करना है. जो न्यूमरेटर में है आपको उसको कलर्ड करना है. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस. देन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द हाफ ऑफ द गिवन नंबर. सो वी हैव सीन हाफ कैसा फाइंड आउट करना है. 14 इंटू हाफ, दैट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक 14 नहीं आता. सो 2 7 जा 14. सो हाफ ऑफ 14, 14 का हाफ कितना है, 7. लाइक दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द हाफ ऑफ द गिवन नंबर. देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द 1/3. सेम 15 into 1/3, that is equal to 15 divided by 3. 3 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 15 नहीं आ जाता. तो 3 5 is 15. So 1/3 of 15 is 5. So like this way you have to complete question number 1, 2, 6, 7, 8. Then same, find the given parts of the following numbers. अभी 1/3, 1/3 of 39. तो क्या करेंगे, 39 into 1/3, that is equal to 39 divided by 3. Okay, like this way. Then 1/4, 16 into 1/4, that is equal to 16 divided by 4. Like this way you have to solve. Okay, so hope you have understood. Complete your work, complete your homework. Thank you.